में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको भाई कैश डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे भाई। और करते हो तो ईएमआई बनने वाला है वो बनने वाला है 3436 रुपए का 48 महीने का, और जो दूसरा ईएमआई बनने वाला है वो बनने वाला है 7468 रुपए का। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये भाई MT15 2024 मॉडल जो की E20 के साथ आती है, साथ ही साथ इसमें आपको ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील देखने को मिल जाए। तो इस वाले वीडियो में इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। साथ ही साथ सबसे पहले तो आप सभी को भाई हैप्पी होली, और जो भी भाई इस बाइक को होली में लेने का सोच रहे शुभ अवसर पर, तो भाई उनके लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो भाई मैं आपको कुछ धमाकेदार ऑफर बताने वाला हूँ यमहा की तरफ से भाई दी गई है इस बार होली के शुभ अवसर। ऑफर क्या है भाई, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको भाई कैश डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे भाई, और साथ ही साथ जो इसकी भाई ऑन रोड प्राइस थी वो भी कम कर दी गई है। जो पहले हमें मिलता था वो मिलता था भाई 2,15,000 में, अभी से भाई इसको 2,15,000 से घटाकर भाई 2,09,000 की इसका ऑन रोड प्राइस कर दिया गया है। इस वाले वीडियो में आपको मिनिमम डाउन पेमेंट और ईएमआई के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। ईएमआई और डाउन पेमेंट की बात करने से पहले थोड़ी सी अपन भाई नजर बाइक पर डाल लेते हैं, बाइक में हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। बात कर लेता हूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो फुल ट्रांसफॉर्मर लुक में भाई ये आ जाती है। मतलब ये दो प्यारे DRLs भाई, और ये प्रोजेक्टर हेडलाइट, जिसकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो आप ब्राइटनेस यहाँ से आप देख लो भाई, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। बाकी बात कर लो साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे MT15 का बैजिंग देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ भी भाई यहाँ का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ भाई यहाँ भी MT15 का लोगो देखने को आपको मिल जाता है। फ्रंट में आपको गोल्डन कलर की USD फॉग देखने को मिल जाते हैं, जिसके क्वालिटी भाई काफी प्रीमियम है और काफी भाई सुंदर लगता है, खासकर ये गोल्डन कलर होने के बाद। यहाँ पे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जिसका क्वालिटी भी भाई टॉप नॉच है। आपको मडगार्ड लगाया गया, प्रॉपर सारी गार्ड यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। और तो और भाई इसमें आता है भाई ओपन चैन सेट, तो इस चीज को आपको भाई काफी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज भाई इन लोग का जो चैन है भाई, वो मैं पर्सनली R15 यूज करता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ भाई इसको थोड़ा सा मेंटेन कर ज्यादा रखना पड़ता है चैन को। मतलब हर 500 किलोमीटर पे आपको भाई चैन ल्यूब करते रहना पड़ेगा, तो ये एक केयर करने वाली इसमें चीज है भाई। बाकी वैसा कुछ और मेंटेन करने वाली बात नहीं है, बस एक चैन का आपको ध्यान रखना पड़ता है, छोटा सा चीज है भाई। बाकी यहाँ पे ये देख लो भाई, ये है इंजन कवर, जो कि इंजन को आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा भाई मड वगैरह से, जितने भी कीचड़ यानी कि टायर सूट के लगेंगे वो सब चीज प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बाकी एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा भाई, ये लिक्विड कूल है, तो यहाँ पे लगाया गया है फुल रेडिएटर, तो ये आप रेडिएटर का साइज देख लो भाई, और रेडिएटर के जस्ट पीछे है भाई फैन, फैन का भी साइज काफी बड़ा है। बाकी यहाँ पे आप रेडिएटर का क्वालिटी देख लो, तो एक बार मैं आपको इंजन का साउंड सुनाना चाहूंगा भाई। बाकी एक बार यहाँ पे भाई इंजन का आवाज। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो इसमें आपको 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 4-स्ट्रोक SOH 4 वाल्व के साथ आता है। नंबर ऑफ सिलेंडर इसमें 1 देखने को मिल जाएंगे, और जो मैक्स पावर ये प्रोड्यूस करता है 4 PS का ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है, और जो मैक्स टॉर्क है भाई वो है 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देता है भाई। तो अब बात कर लेते हैं भाई इसके टायर साइज की, तो इसमें आपको MRF का टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई 100x80 सेक्शन का 17 इंचेस के टायर है भाई। कल भाई रियर में, तो रियर में आपको 140x70 इंचेस का टायर देखने को मिल जाता है भाई, जो कि व्हील 70 इंचेस के व्हील वेस के साथ आता है। और यहाँ पे आपको फुल डिजिटल मीटर भाई देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे भाई ये ऐप से ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होता, साथ ही साथ ये आती है भाई E20 के साथ। लो भाई यहाँ पे यमहा का बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ ये ड्यूल चैनल ABS के साथ आती है, फ्यूल इंडिकेटर है भाई, बहुत कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये ट्रिप है भाई, कितनी किलोमीटर चली है ये बाइक, ये सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। बाकी यहाँ पे स्पीड, और बाकी सबसे भाई एक मुझे जो पर्सनली भाई मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है भाई, और यहाँ पे आपको शो होगा भाई RPM। कर लेते भाई इसकी सीट की, तो सीट का कुशनिंग काफ़ी अच्छा है, मतलब राइडर के लिए तो प्रॉपर यहाँ पे जगह है, बट जो पिलियन बैठेंगे भाई उनके लिए यहाँ पे सीट थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, और ये भाई सिंगल फ्लैट सीट में आता है, यहाँ पे स्प्लिट सीट आपको देखने को नहीं मिलता है। बात कर लेते इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 10 लीटर का टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है, और इसकी बात कर ले भाई माइलेज की, तो आप 40-45 ईजी वे में भाई निकाल कर दे देगा। अब बात कर लेते इसके मिनिमम डाउन पेमेंट और EMI के ऊपर, जो मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है भाई 28,300 का अगर आप डाउन पेमेंट करते हो, तो जो EMI बनने वाला है वो बनने वाला है 6,999 का 36 महीने का, और जो दूसरा EMI बनने वाला है वो बनने वाला है 5,605 रुपए का 48 महीने का, और जो तीसरा EMI बनने वाला है वो बनने वाला है 4,721 रुपए का 60 महीने का। सबसे पहले मैं ये बता दूं भाई, ये जो मैं डिटेल शेयर कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ पटना शहर का, ये वीडियो आप कहीं और से देख रहे हो, तो हर शहर का जो प्राइस होता है वो मे बी ऊपर नीचे रहता है, तो आपके शहर में प्राइस कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो अब आते हैं दूसरे डाउन पेमेंट पे, जो दूसरा डाउन पेमेंट है वो है 70,000 का। अगर आप 70,000 का डाउन पेमेंट करते हो तो जो EMI बनने वाला है वो बनने वाला है 7,501 रुपए का 24 महीने, दूसरा EMI बनने वाला है वो बनने वाला है 5,401 रुपए का 36, तीसरा EMI बनने वाला है वो बनने वाला है 4,365 रुपए का 48 महीने का।
तो अब आते हैं तीसरे डाउन पेमेंट के ऊपर। जो तीसरा डाउन पेमेंट है वो है 99,500। अगर आप 99,500 का डाउन पेमेंट करते हो तो ईएमआई बनने वाला है, वो बनने वाला है 3,436 रुपए का 48 महीने का। और जो दूसरा ईएमआई बनने वाला है वो बनने वाला है 7,468 रुपए का 18 महीने का। और जो तीसरा ईएमआई बनने वाला है वो बनने वाला है 10,694 रुपए का 12 महीने का। बाकी आपको स्क्रीन पे सारा कुछ नंबर शो हो रहा होगा, आप वहां से भी कॉल कर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और इसमें मैं बता दूं, इसमें कैश डिस्काउंट जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो कैश डिस्काउंट आपको अलग से मिल जाएगा इसमें। तो अगर कैश डिस्काउंट मिलता है तो थोड़ा जो ईएमआई है और जो डाउन पेमेंट है वो भी कम जाएगा। आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा तो आप कॉल कर वहां से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट।